हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर का कोर्स कैसे किया जाता है वो आपको बताएंगे, और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी वो भी इस वीडियो में बताएंगे, और कैसे फॉर्म फिल किया जाता है वो भी आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये कोर्स किस लिए किया जाता है? जब भी आप डिस्ट्रिक्ट में आपके लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी ट्रायल होती है किसी भी गेम की, तो उसमें ऑफिसल आपने देखे होंगे जो हमारी हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं, जो हमारा गेम करवाते हैं उनको हम ऑफिसल बोलते हैं, तो उनका कोर्स है ये। तो आप कैसे कर सकते हो, क्या इसकी फीस रहेगी, सबका प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो पर हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल और लैपटॉप में अपना ओपन ब्राउजर कर लें, दोनों से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर का, इसको हम DTO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन करें, उसके बाद आप AFI टाइप करें। AFI का मतलब है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इस साइट पे आपको ये कोर्स मिलेगा, अदर जो आपके गेम की साइट हैं, जो आपकी फेडरेशन है उस साइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। जैसे हम एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की साइट यहाँ चूज कर रहे हैं, इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जो आपकी पहले नंबर पे ही एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपको एथलेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी मीट होंगी, खेलो इंडिया या आगे आने वाली कहीं भी ऑल इंडिया में नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं उनकी सब भी टूर्नामेंट की इस साइट पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए आगे, आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे। अभी हमारे कुछ दिन पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, वो उसकी भी नोटिफिकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हो सेमिनार ऑन किड्स एथलेटिक्स ट्रेन द ट्रेनर्स, ये जो कोर्स था उनका उनके सर्टिफिकेट आए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो 62 नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 15 से 19 जून 2023 23 भुवनेश्वर उड़ीसा में है, अगर कोई खेलना चाहता है रजिस्टर ना हो कर सकता है यहाँ से, ये सिर्फ एथलेटिक्स गेम के लिए है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर, जैसा कि हमने बताया था कोर्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DTO भी बोल सकते हैं, जो 2023। इसकी जो फीस है, कोर्स फीस है, वो 3,000 है, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देता होगा आपको। और प्लस में है ट्रांजैक्शन चार्ज रजिस्टर एयर। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 जून, आज है 12 तारीख, इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 जून। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन होके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम फिल करना है, जैसे हम अभी करेंगे। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज करनी है। यहाँ पर हम अपनी डेट को फिल कर लेते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है आप उसको भी फिल कर लेना, और जो आपकी ईमेल आईडी है उसको भी। फोन में आपको ईमेल आईडी वो अलग से टाइप करनी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसा करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से हो, जैसे कि हम हरियाणा से हैं, डिस्ट्रिक्ट है आप हरियाणा में, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो आप
वही का सिलेक्ट करें। आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ साइड में पिन कोड मिलेगा, जो आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको आपकी पिक है वो अपलोड करनी होगी, जो पासपोर्ट साइज है उसका साइज यहाँ पे जो मैक्स है मैक्सिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 3 MB। 3 MB से आपका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो पिक आपकी वो अपलोड करनी। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं और अपनी जो पिक है उसको अपलोड करते हैं। ये हमारा फोल्डर है, ये हमारा पासपोर्ट साइज फोटो है, इस पर हमने क्लिक किया और ओपन किया और ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम सबमिट करना है, इसमें लिखना है। आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी योग्यता है, जैसे आप बीए या एमए पीएचडी जो भी आपने पास कर रखी हो वो आपको यहाँ फिल करनी है, जैसे यहाँ अब हम फिल करेंगे। उसके बाद आप अचीवमेंट इन एथलेटिक्स या एनी अदर स्पोर्ट्स, आपने किसी भी स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट हासिल की है वो यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल जो आप करना चाहते हो, प्रोफेशन मतलब जिसमें आप बनना चाहते हो वो टाइप करना है आपको, जैसे आप यहाँ कोच भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद ये जो यहाँ कैप्चर है ये आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा टर्म एंड कंडीशन, जिसमें आपको पेमेंट के बारे में भी बताया गया है, रिफंड होगी या नहीं होगी और कैसे होगी, आप इसको देख सकते हो और आसानी से पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आप यस करोगे, यस आई एग्री टू द अबाउ टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आपके सबमिट करेंगे और नोटिफिकेशन को ओके कर देंगे कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब ठीक है। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सब फीस है वो सबमिट करनी है। इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपने जो क्या क्या सबमिट किया है, नाम एड्रेस सब कुछ एक बार फिर से लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी अगर मैंने जो भी टाइप किया है एंटर किया डाटा वो सब ठीक है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें फीस कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, यूपीआई से, कई ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उससे पे कर सकते हो। और इसमें जो चार्ज है वो ₹60 अलग से लगा है, जैसे आपने बताया था ट्रांजैक्शन चार्ज। आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन है मोबीक्यू, फ्री रिचार्ज, जियो मनी, पेटीएम वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रिवार्ड जो आपके पास हैं, ईएमआई भी ऑप्शन भी है आपके यहाँ, पे लेटर भी है। हम यहाँ डेबिट कार्ड को चुनेंगे, चूज करेंगे और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे इसमें।
अभी हम अपना कार्ड नंबर डाल रहे हैं, उसके लिए हम प्राइवेसी रखेंगे अपने कार्ड नंबर की। और जल्दी से अब हम कार्ड डिटेल को एंटर करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे इसको। और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जिसमें आपके पास ओटीपी गया होगा। जिस नंबर पे आपका कार्ड है, बैंक है, उस नंबर पे आपके पास ओटीपी गया है। आपको ओटीपी इसमें ऐड करना है। जैसे ही आप इसको ओटीपी को ऐड करोगे और सबमिट कर दोगे तो आपके पास आपका बैंक अकाउंट है उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो जाएगी कम्प्लीट। 3060 रुपये आपके कट जाएंगे। और जैसे ही आपका बैलेंस कटेगा, आपके पास जो आपकी आपने ईमेल दी है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी, ईमेल आएगी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखा होगा अभी आपके लास्ट में यहाँ पे कोई शो नहीं करेगा, लेकिन आपकी ईमेल है, इसलिए आप ईमेल आपकी वही देना इसमें जो आप यूज़ करते हो, आपके फ़ोन में हो, जिससे आपको आसानी रहे, ऐसी कोई गलती ना करना। वीडियो को आप एक बार दो बार दे सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके लिए वीडियो कैसी लगी आपको। और मुझे लगता है आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आप कोई भी फॉर्म फिल करोगे उसके लिए भी आपको पता लग जाएगा कैसे फिल करना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।